हेलो फ्रेंड्स, लास्ट मिनट रीजन लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हम बात करेंगे आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से। इस टॉपिक से भी आपके पास एक और दो मार्क्स का क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को बना रहे होते हैं तो उसमें जो जो आइटम इंक्लूड होते हैं उन आइटम का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का कितने परसेंट रखा जाता है। तो आइए बात करते हैं हम अपने सबसे पहले वर्क की या आइटम की या नेम ऑफ एक्सपेंडिचर्स की। क्लियर है? यहाँ पे बात करते हैं हम सबसे पहले अपने वाटर चार्ज की। जो वाटर चार्ज रखा जाता है आपके पास, परसेंटेज कॉस्ट का 1.5% रखा जाता है आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं एनुअल रिपेयर, तो एनुअल रिपेयर रखा जाता है आपका टोटल प्रोजेक्ट का 1.5%। किसका रखा जाता है? आपका एनुअल रिपेयर का रखा जाता है। उसके बाद आता है टी एंड पी का मतलब होता है टूल एंड प्लांट्स का टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट रखा जाता है? 1 से 1.5% रखा जाता है। उसी तरह से हम बात करते हैं अपने वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का, तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का कितना परसेंट रखा जाता है? 1.5 to 2% रखा जाता है। उसी तरह से हम अर्नेस्ट मनी की बात करते हैं, तो अर्नेस्ट मनी का कितना परसेंट रखा जाता है टोटल कॉस्ट का? 2% रखा जाता है। क्लियर है? उसी तरह से हम बात करते हैं कॉन्टिंजेंसीज, और कॉन्टिंजेंसीज कितना परसेंट रखा जाता है आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का? ये 3.3 से 5% रखा जाता है। क्लियर है? उसी तरह से हम बात करते हैं अपने सैनिटरी वर्क का, तो सैनिटरी वर्क आपके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 8% रखा जाता है। उसी तरह से हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिफिकेशन का भी आपके पास टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 8% इंक्लूड किया गया है। उसी तरह से हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क की बात करते हैं, तो इसका भी कितने परसेंट रखा जाता है? 8% रखा जाता है आपके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। क्लियर है? उसके बाद आता है डिपार्टमेंट चार्ज, और डिपार्टमेंट चार्ज रहता है आपके पास 10 to 15%। क्लियर है? उसके बाद बात की जाती है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट की, तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी आपके पास 10% रखा जाता है। उसके बाद आता है बॉन्ड और गारंटी, यानी कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट्स को बना रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको उसका क्या करना होता है, या तो उसका बॉन्ड बनता है या उसको एज ए गारंटीज आपका जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है? 10% होता है। उसी तरह से हम बात करते हैं यहाँ पे लेबर एक्सपेंडिचर की, तो लेबर एक्सपेंडिचर का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30 to 35% होता है। तो इसको पूरे माइंड में बिठा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आपके पीएसयू के इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। डियर,